क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। इसमें भी हमें पुट करना होगा, पुट कर देते हैं साइन एक्स को टी, ये आपको तो पता ही है, साइन एक्स को टी पुट करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमें दिख रहा है। चलिए इसे डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, यानी कि यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, अब पहले लिमिट में भी चेंज कर लिया जाए। देखिए x बराबर में दिया हुआ है 0, तो t बराबर में हो जाएगा साइन 0 यानी कि 0। x बराबर में दिया है पाई बाई 2, तो t बराबर में हो जाएगा साइन पाई बाई 2 यानी कि 1। चलिए तो लिमिट में चेंज आ जाएगा 0 टू 1, cos x dx आपका dt हो जाएगा, और नीचे रूट अंडर 1 प्लस में इसके जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। आप चाहते तो 1 प्लस साइन एक्स को भी टी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स को भी टी लेके बना सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस तरह भी ठीक है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1 बाई रूट एक्स के फॉर्म में आता है, इसका 2 रूट अंडर 1 प्लस टी हो जाएगा, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा इसका 0 टू 1। तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स को भी आप टी ले सकते थे, तो लिमिट में चेंज आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप बना सकते थे। चलिए 1 रखेंगे तो 2 रूट अंडर 1 प्लस 1 और माइनस 2 रूट अंडर 1 प्लस 0, तो यहाँ से 2 रूट 2 हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा, 2 कॉमन कर लेते हैं, रूट 2 माइनस 1। देखो यही आंसर आया। अगर आप यहाँ 1 प्लस साइन एक्स को टी मानते तब भी यही आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अगला